हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हो कि शाओमी ने मी 10i के साथ में 2021 की शुरुआत कर दी है, बट अगर बात करें रियलमी की तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग फोन जो Realme की तरफ से आपको 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। काफी सारे इंटरेस्टिंग फोन्स हैं, तो अगर आप एक स्पेशली Realme फोन का वेट कर रहे हो तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। और हाँ, कहीं पर भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं Realme की X7 सीरीज के साथ में, क्योंकि ये स्मार्टफोन सीरीज जनवरी मंथ में सबसे पहले आपको Realme की तरफ से देखने को मिलेगी। और आई एम श्योर आप लोगों में से काफी सारे लोग X7 सीरीज का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो। ये डिवाइस अगले 2 वीक में कंफर्म इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और जहां तक मुझे लगता है 21 जनवरी के आसपास लॉन्च हो सकते हैं। अगर बात करें स्पेक्स को लेकर तो आप ऑलरेडी जानते हो कि Realme का X7 Pro MediaTek Dimensity 1000 Plus के चिपसेट के साथ में आएगा, जो कि एक पावरफुल बजट 5G चिपसेट है। इसके अलावा बाकी स्पेक्स को लेकर बात करें तो 6.5 इंचेस का एक AMOLED पैनल होगा पंचोल डिजाइन के साथ में, जहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरास होंगे, 4500 mAh की बैटरी होगी और 65 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो डिवाइस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये जो डिवाइस होगा ये Realme की तरफ से शायद पहला बजट 5G स्मार्टफोन होगा। बात करें प्राइसिंग को लेकर तो 25,000 के करीब इसका प्राइस रह सकता है, तो मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं इस डिवाइस को लेकर। बाकी कमेंट्स में आप मुझे बताना क्या आप Realme X7 Pro को लेकर एक्साइटेड है। इसके अलावा Realme X7 सीरीज में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जो इसी टाइम लॉन्च होगा। थोड़े बहुत स्पेक्स में चेंजेस होंगे, लाइक वहां पर आपको MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट मिलेगा, 6.4 इंचेस का वही AMOLED पैनल होगा, बट 60Hz का डिस्प्ले होगा, मतलब वहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। रियर कैमरा एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, बैटरी 4300 mAh की देखने को मिलेगी, बट 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहां पर भी मिलेगा। और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये डिवाइस 20,000 रुपए से कम के प्राइस बजट पर इंडिया में लॉन्च होगा। तो X7 सीरीज सच में काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बाकी इसके अलावा गाइस, Realme अपनी पॉपुलर नंबर सीरीज के अंदर भी 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगा, जो कि X7 सीरीज के बाद में लॉन्च करेगा। ये स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेट पर क्लियर हो चुके हैं। बेसिकली यहां पर 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जो Realme का V5 होगा, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इंडिया के अंदर वो Realme 8 बनकर लॉन्च हो सकता है, जहां पर आपको MediaTek Dimensity 720 का चिपसेट देखने को मिलेगा और शायद से आपको यहां पर 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। अगर बाकी स्पेक्स की बात करें तो 6.5 इंचेस का एक IPS LCD पैनल मिलेगा पंच होल डिजाइन के साथ में, जहां पर आपको 120Hz या फिर 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैमराज में 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमराज होंगे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी रहेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और ये जो डिवाइस होगा ये 15,000 रुपये के बजट के नीचे आएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब आपको शायद 15,000 से कम के प्राइस बजट पर Realme का एक 5G बजट फोन देखने को मिल पाएगा। लेकिन जो प्रो वेरियंट होगा वहां पर आपको काफी जबरदस्त स्पेक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि Realme का जो V15 है, जो कि अभी 2-4 दिन पहले ही चाइना में लॉन्च हुआ है, वो इंडिया के अंदर Realme 8 Pro बनकर आएगा, जहां पर आपको 6.4 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 60Hz का डिस्प्ले होगा, बट अच्छी चीज है कि यहां पर एक AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी पंच होल डिजाइन के साथ में। कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाले हैं, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। ये डिवाइस 50 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो इस डिवाइस का जो डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। कैमरा लेआउट थोड़े से इंटरेस्टिंग है। इस डिवाइस को लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइसिंग की तो बताया जा रहा है 20,000 रुपए से इस डिवाइस का जो प्राइस है वो स्टार्ट होगा, जो कि 25,000 रुपए के आसपास जाएगा, क्योंकि रियलमी का जो 7 प्रो है वो इसी प्राइस बजट पर लॉन्च हुआ था। तो चांसेस है कि ये डिवाइस भी आपको सेम प्राइस बजट पर ही देखने को मिलेगा। ये डिवाइस BIS सर्टिफाइड हो चुका है, मतलब हार्डली 3 से 4 वीक में इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फरवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम पर आपको Redmi की Note 10 सीरीज भी इंडिया में देखने को मिलेगी। तो दोनों ब्रांड्स के अंदर बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है। इसके अलावा Realme की Narzo सीरीज में आपको बेसिकली 3 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। Narzo 30 को लेकर अभी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बताया जा रहा है कि Realme की जो Q2 सीरीज है वो पूरी की पूरी इंडिया में Narzo 30 सीरीज के नाम से लॉन्च हो सकती है। तो जानते हो कि Realme की जो Narzo सीरीज वो बेसिकली एक रीब्रांडेड सीरीज होती है, बट काफी अच्छे स्पेक्स के साथ में होती है और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होते हैं। सो Realme Q2 को लेकर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो Realme और Xiaomi ने बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रखा है, मतलब कौन सा
सा फोन रीब्रांड होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा डिवाइस इंडिया में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है। बट डोंट वरी, धीरे धीरे सारी चीजें सामने निकल कर आ जाएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी एज ऑफ नाउ इस वीडियो में रियलमी के इन अपकमिंग फोन्स को लेकर सिर्फ इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से डिवाइस का सबसे बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हो और आपके अकॉर्डिंग कौन से डिवाइस में कौन से स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।